हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 4.3 को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे एक नंबर के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी हिट कर देना। इसके पहले हमने जितने भी प्रश्नावली हैं उसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में कवर करवा रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आपको आई बटन पर भी क्लिक करके मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये सेशन देखने के बाद आपको अदर कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी प्रश्नावली 4.3 के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, बस खाली आपको पेशेंस की आवश्यकता है, ठीक ना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। सबसे पहले हमें यह करना है कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको सबसे पहले हमें जांच करना है कि क्या ये इनके जो मूल हैं अस्तित्व में हैं या नहीं है। अगर अस्तित्व में नहीं होंगे तो हम उसको पूर्ण वर्ग से नहीं हल करेंगे, ठीक, उसको हम सेकंड क्वेश्चन के माध्यम से हल करेंगे। लेकिन जब अगर वो क्वेश्चन अस्तित्व में रहेंगे, यानी कि डी का मान जीरो या जीरो से जब बड़ा होगा, तब हम उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, शुरू से अंत तक जरूर देखना। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन को लेंगे, 2x² - 7x + 3 = 0। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इस हम क्वेश्चन को लेंगे और यहाँ पर हल करेंगे। क्या क्वेश्चन है? 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो सबसे पहले हम इसको जांचेंगे कि इसके जो मूल हैं ये अस्तित्व में है या नहीं है। एक बार एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो, जितने भी इसके तीन पार्ट दिए गए हैं आसानी से कर ले जाओगे, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो आइए हम इसे जांच करते हैं। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके से हम तुलना करेंगे। क्या होता है भाई? वो होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर आओ भाई, तुलना करते हैं। अब देखो x² का गुणांक क्या है? a है। तो यहां पे x² का गुणांक क्या है? तो 2 है। तो a बराबर यहां पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार b बराबर साइन के साथ लिखेंगे, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। ये हमने पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक, इतनी बात। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका कि अस्तित्व में है या नहीं है, क्या करेंगे हम? ये करेंगे, d यहाँ पे निकालेंगे। d बराबर होता है b² - 4ac। अब b का मान क्या है? -7। -7 का स्क्वायर कर दो, -4 * a का मान क्या है? 2 है। c का मान क्या है? 3 है, रख दो। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49। -4 * 38 = 24, ये -24 हो जाएगा। अब 49 में से 24 घटेगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। तो हमने ये देखा कि d का मान यहाँ से 25 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d > 0, यानी कि d का जो मान है 0 से बड़ा है। तो अब इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। क्या होंगे भाई? इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे, वास्तविक और असमान मूल होंगे। और इसके कितने मूल होंगे? तो 2 मूल होंगे। कैसे? क्योंकि ये समीकरण द्विघात टाइप का है, द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 x के 9 मान आएंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालना है किस विधि से? पूर्ण वर्ग बना करके। आइए हल करते हैं पूर्ण वर्ग बना करके। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ से 2x² - 7x + 3 = 0। अब हल करते हैं,
तो हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ध्यान समझना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो हम इसको करेंगे क्या, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर गुणांक में इस संख्या से गुणा करेंगे कि उसका वर्ग बन जाए, स्क्वायर रूट बन जाए। जैसे मान लो यहाँ पे दो दिया है, तो अगर मैं आठ से गुणा कर दूँ, आठ से गुणा कर दूँ तो आठ गुना सोलह, सोलह एक्स स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया ना, ये इतना चीज। तो सबसे पहले हम इसको, इस वाले टर्म को हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में आठ से गुणा करने पर, आओ आठ से गुणा कराते हैं, आठ से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो में आठ से गुणा करो तो जीरो ही आएगा। अब आठ में बारी बारी पौधों से गुणा करवा दो, आओ करवाते हैं कितना आ जाएगा, आठ गुना सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ सात छप्पन एक्स और प्लस अड़तीस के चौबीस बराबर जीरो। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से समझो। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको बनाओ, इसका बनाओ क्या हो जाएगा फोर, इसको मैं लिखने का तरीका मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ फोर एक्स का होल स्क्वायर, इतना लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, क्या चेंज किया हूँ। फोर एक्स का होल का स्क्वायर करोगे तो सोलह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो एक ट्रिक मैं यहाँ पे आजमाऊंगा, माइनस यहाँ पे टू ए बी इसको फॉर्म में तोड़ूंगा, इस छप्पन एक्स को इस तरीके से तोड़ूंगा कि छप्पन एक्स आ जाए। तो देखो टू एक जगह पे ये रखूंगा चार एक्स, तो चार दूना आठ, अब आठ में सात से गुणा करोगे तब ना छप्पन आएगा, तो यहाँ पे गुणा कर दो सात से। अब यहाँ पे देखो छप्पन एक्स टूट गया, दो गुणे चार एक्स गुणे सात। अब यहाँ पे देखो इसी सात को हम क्या मानेंगे, बी मान लेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सात का स्क्वायर जोड़ेंगे और सात का स्क्वायर घटाएंगे, ठीक, प्लस चौबीस है तो चौबीस लिख दो बराबर जीरो, इतनी बात। अब यहाँ पे देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर मैंने क्यों कर दिया, सात का स्क्वायर और सात का स्क्वायर आपस में कट के जीरो आ जाएगा और ये भी छप्पन है, बात बराबर है, लेकिन करने का तरीका मैंने चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो आप लोग पढ़े हो, इतने के जगह पे मैं एक बात लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी, ये फुल फॉर्म होता है किसका, होल स्क्वायर होता है किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है फोर एक्स, और माइनस बी के जगह पे सात, तो फोर एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर है तो कर दो, क्या हो जाएगा माइनस उनचास और प्लस चौबीस बराबर जीरो। अब देखो क्या कर सकते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन का होल स्क्वायर, अब इसको कर दो कितना आ जाएगा माइनस पच्चीस आ जाएगा ना, उनचास में चौबीस कट जाएगा तो जीरो। अब इसको पक्षांतर कर दो कितना आ जाएगा, फोर एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर बराबर पच्चीस। अब दोनों पक्षों का रूट ले लो, यानी कि क्या कर दो वर्गमूल निकाल दो, तो क्या हो जाएगा फोर एक्स माइनस सेवन बराबर प्लस माइनस पच्चीस होगा, खाली प्लस माइनस पच्चीस ना, यहाँ पे ऐसे होगा रूट निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर एक्स माइनस सेवन बराबर प्लस माइनस पाँच आ जाएगा, कितना पाँच, पच्चीस का वर्गमूल पाँच होता है। अब चर को एक साइड और अचर को एक साइड कर लो भैया, तो क्या आ जाएगा फोर एक्स बराबर, एक बार पॉजिटिव लो एक बार निगेटिव लो, तो आएगा कितना आएगा सात प्लस माइनस पाँच इतना। अब x बराबर कितना आ जाएगा, इसको पक्षांतर कर दो तो सात प्लस माइनस पाँच बटे में चार, हाँ इतना बात समझ में आ गया। जब इतना बात समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, हो गया काम। अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, x के दो मानेंगे, बोला था ना x के दो मानेंगे, यहाँ पे लिखो पॉजिटिव लेने पर, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा सात प्लस पाँच बटे का चार, यानी कि बारह बटे का चार बराबर तीन। तो यहाँ से x बराबर एक माना गया कितना तीन, ठीक। इसी प्रकार सेम चीज यहाँ पे एक बार मैं निगेटिव कंसिडर करूँगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकता हूँ, x बराबर सात माइनस पाँच बटे का चार, तो x बराबर कितना आ जाएगा सात में से पाँच गया दो बटे का चार, यानी कि x बराबर एक बटे का दो। तो x के दो मान आ गए, एक आ गया एक बटे दो और दूसरा कितना आ गया तीन, आप इन दोनों को चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इतना होता है पूरा मेथड सॉल्व करने का, ठीक। अब हम करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन
बहुत ईजी है, ये भी आसान है और बहुत कम टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो हल करना तो है, लेकिन सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है। 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, चेक करो कैसे। तो d का मान निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर d का मान 0 या 0 से बड़ा है तो अस्तित्व में है, नहीं तो 0 से कम है, माइनस में है तो अस्तित्व में नहीं, उसको करना भी नहीं है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ से 1, ठीक, माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2 इंटू सी के जगह पे माइनस 4। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 दुना 8 और 4 के 32, तो कितना हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, d बराबर 33। अब देखो d का मान 0 से बड़ा आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, और इसके भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे भैया, वास्तविक व असमान, क्या होंगे, असमान मूल होंगे, ठीक। अब हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग बना करके। तो 2x² प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओ। पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यह है कि दोनों पक्षों में आप या तो आप 2 से गुणा करवा दो, नहीं तो 2 से भाग करवा दो। तो मैं 2 से भाग करवा दे रहा हूँ, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका, 2 से भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2x² बटे का 2 प्लस एक्स बटे का 2 माइनस 4 बटे का 2 बराबर 0। 0 बटे 2 बराबर 0, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा ना, ये कट के दो दो कट जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, x/2 माइनस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बराबर 0। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, तो सबसे पहले इसको x का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर, और प्लस इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ो, तो 2 इंटू ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पे x है, इंटू बी के जगह पे कितना रखोगे कि x/2 आएगा ये वाला टर्म, तो बी के जगह पे हम 1/4 रख देंगे, तो 2 से 2 कटेगा तो x/2 नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, इतनी बात। अब यहाँ पे बी के जगह पे अब इसी को जोड़ेंगे वर्ग करके और इसी को घटाएंगे, इसी को वर्ग करके जोड़ दो और इसी को वर्ग करके घटा दो, और यहाँ पे -2 है तो -2 बराबर 0 लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई ना, जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको और इसको काट भी सकते हो तो मानो कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक। अब देखो इसके जगह पे लिख सकते हो, इसके इतने जगह पे कि एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक, -1/16 -2 बराबर 0, इतनी बात। तो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/16 प्लस 2, मैं इधर कर दिया, फेंक दिया इधर। अब देखो लिखने का तरीका, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 दुना 32 33 बटा में 16। अब रूट ले लो दोनों पक्षों का, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 बराबर रूट में 33, कितना, रूट में 33, अब बटे में 16 का रूट निकाल दो, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, जब इतनी बात समझ में आ रही है तो अब यहाँ पे काहे नहीं आएगा, एक्स बराबर, अब ये प्लस माइनस होगा चूंकि, ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इधर आएगा, तो यानी कि -1/4 और प्लस माइनस रूट में 33/4। अब एक बार क्या करना है, एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार निगेटिव लेना है, अरे समझ में ना, तो एक बार पॉजिटिव लो, पॉजिटिव लोगे तो क्या आएगा, x बराबर -1/4 और प्लस रूट में 33/4, यानी कि x बराबर आ जाएगा -1 प्लस रूट में 33 और होल बटा 4, ये x एक x का माना गया। इसी प्रकार हम यहाँ पे फिर एक x का मान निकाल सकते हैं जब निगेटिव कंसीडर करेंगे, तब x बराबर -1/4 और माइनस में रूट में 33 और बटे का 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 माइनस रूट में 33 और बटे का 4, तो ये भी एक दूसरा x का माना गया। तो कैसा हमारा समीकरण था, द्विघात टाइप का, तो x के दो मान हमेशा आएंगे, और ये होता है पूरा बढ़िया से हल करने का तरीका, ठीक। अब हम करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन सा करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई कि 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको हल करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि अस्तित्व में है कि नहीं है, उसके बाद इसको हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। ठीक, आओ चेक करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले हम ax² + bx + c = 0 से तुलना करते हैं। ठीक, तुलना करो तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 आएगा। तो यहाँ से हम d का मान निकाल सकते हैं। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है, 4√3² - 4 इंटू a का मान कितना है, 4 इंटू c का मान 3। अब देखो चौचौ के 16 * 48 माइनस चौचौ के 16 * 48 तो 0 आ गया। तो d का मान यहाँ से क्या आ गया, d का मान यहाँ से 0 आ गया। अब जब d का मान जब 0 आ गया तो इसके मूल क्या होंगे भाई, वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान मूल होंगे। ठीक, वास्तविक व समान मूल होंगे। अब कैसे होंगे इसको चेक करते हैं। आइए हल करके देखते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखो करना कुछ नहीं है, एकदम सा सिंपल सा है, सिंपल सा है। ठीक ना, ध्यान से समझना खाली। देखो करना क्या है, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। टेक्निक समझो, ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। कैसे, देखो कैसे बनेगा। इसको लिख सकता हूँ ना 2x² तो a² हो गया। अब प्लस इसी को अब तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा 2ab के फॉर्म में, तो 2 * a के जगह पे 2x। ठीक, * b के जगह पे कितना लिखूं कि इतना आ जाए, तो b के जगह पे मैं लिख सकता हूँ √3। ठीक, तो a² हो गया और प्लस 2ab हो गया। अब यहाँ पे देखो खुदे b² करके दे दिया पगला। अब यहाँ पे खुदे रूट में 3² कर दो, जोड़ने घटाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, ये खुद a² + b² + 2ab के फॉर्म में है, तो a के जवाब पे 2x और प्लस b के जवाब पे √3² कर दो = 0। अब दोनों पक्ष का स्क्वायर रूट ले लो तो हो जाएगा 2x + √3 = 0। ठीक, तो 2x बराबर ये हो जाएगा -√3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -√3 और डिवाइडेड बाई 2। तो चूंकि x के यहाँ पे दो मान होंगे, x के कितने मान होंगे, इसी प्रकार दो मान होंगे। मैंने यहाँ पर लिखा था वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे। समान मूल कहने का सेंस ये है कि x के यहाँ पे दो मान होंगे और x के पहला मान ये है और दूसरा मान ये है। आ गया समझ में ना। अब इसी प्रकार हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो समझो, ये थोड़ा सा हट के है। 2x² + x + 4 = 0। इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसका रिस्पांस। क्वेश्चन ये है 2x² + x + 4 = 0। तो सबसे पहले हम इसका तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से, x² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। आओ करते हैं, a = 2, b = 1, एक से गुणांक यहाँ पे 1 है और c = 4 है। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे d का मान निकालेंगे। d के बराबर क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर कर दो, 1
माइनस चार गुणे ए मतलब कि दो और गुणे सी मतलब चार, तो डी बराबर एक माइनस चार चौके सोलह गुना बत्तीस, तो डी बराबर यहाँ से कहा जाएगा माइनस में इकतीस। अब ये बताओ मैंने क्या कंडीशन बताया था, डी के तीन कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा कंडीशन होता है डी इज लेस देन जीरो, और तीसरा कंडीशन होता है डी बराबर जीरो। तो इसका और इसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर इसका काम होगा तो नहीं चलेगा, अस्तित्व में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी इज लेस देन जीरो, अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। और यहाँ पे जब मूल आपका काल्पनिक और असमान हो जाएगा तो समीकरण कैसा होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारा समीकरण दिया गया है इसके जो भी मूल हैं काल्पनिक हैं और असमान हैं, इसलिए ये जो पूरा समीकरण है ये अस्तित्व में नहीं है। तो जब समीकरण अस्तित्व में नहीं है तो हम इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आ गई ना। अब इसको हम करेंगे द्विघाती सूत्र के माध्यम से। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बताया गया, देखो यहाँ पे। अब अगले वीडियोस के माध्यम से हम यहाँ पे सेकंड जब वीडियो लेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र के माध्यम से बताना है, ठीक ना, हल करना है। तो इसके लिए मैं अगला एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।